अब आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह पंजाब असेंबली में भी 71वां यौम आज़ादी की पुरवकार तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें असेंबली स्टाफ ने फैमिलीज के हमरा शिरकत की है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे इखलाक बाजवा स्पीकर पंजाब असेंबली के हमरा हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी इखलाक, मुल्क भर की तरह 71वां यौम आज़ादी तकरीब का अहतमाम जो है पंजाब असेंबली में भी किया, जिसके मेहमान खुसूसी स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल खां हैं। उनसे आज जानते हैं कि आज 71वें यौम आज़ादी के मौके पर वो क्या पैगाम देते हैं कौम को। जी, आज का दिन हमारे लिए तमाम पाकिस्तानियों के लिए नहायत ही खुशी का दिन है कि आज के दिन 14 अगस्त 1947 को हमारा ये मुल्क पाकिस्तान हमें सब कॉन्टिनेंट से अल्लाह ने एक आज़ाद पाकिस्तान दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और अब हम सब मिलकर इस मुल्क की खिदमत के लिए हर पाकिस्तानी को अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। ये खुशी का आज का दिन इंतहाई खुशियों का दिन है, तो इसमें आज हमें अहद करना चाहिए कि हमने इस मुल्क पाकिस्तान में अपना हिस्सा अच्छे तरीके से डालना है, मेहनत करनी है, दयानतदारी से काम करना है और मुल्क पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक की सब में आगे चलने के लिए सबको मिलकर काम करना चाहिए, और इसमें अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए मेरे और आपके इस मुल्क पाकिस्तान को तरक्की खुशहाली और इस्तेहकाम बख्शे। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, जैसा कि स्पीकर मोहम्मद राना मोहम्मद इकबाल खान का कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए हम सबको मिलजुल कर काम करना होगा।